friends, welcome to Vidyug. I am your mathematics mentor and Vidyug gladly presents you Vega. In this video, we will discuss about the fundamental theorem of arithmetic with three examples. So let's get started. Example 6. Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. हमने HCF find करना सीखा था दूसरे मेथड से, अब हम अगला मेथड सीखेंगे जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म है। तो पहला स्टेप होगा कि सबसे पहले ईच नंबर के लिए हम प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 × 3, और हम यहाँ पे ट्री मेथड भी यूज कर रहे हैं फैक्टर्स निकालने के लिए। तो 6 का हो गया 2^1 × 3^1, क्योंकि 2 और 3 एक ही बार आया है। अब 20 हो गया 2^2 और 5^1, क्योंकि 2 दो बार आया था। ये हो गए 6 एंड 20 के प्राइम फैक्टर्स। अब स्टेप 2, HCF फाइंड करना है दोनों भी नंबर्स के लिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में काफी लेंदी लगा होगा आपको HCF फाइंड करना, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा इजी है अगर आप प्राइम फैक्टर्स इजीली फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 एंड 20 के प्राइम फैक्टर्स एक के नीचे एक कंपैरिजन व्यू में लिख देंगे। अब जो नंबर्स दोनों भी साइड में रिपीट हो रहे हैं उन्हें हम मार्क कर देंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, 6 एंड 20 में 2 कॉमन फैक्टर है, देयरफॉर द HCF ऑफ 6 एंड 20 इज 2। ठीक है, दोनों भी साइड में 2 रिपीट हो रहा है एक बार, इसीलिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2। अब स्टेप 3, फाइंड LCM ऑफ बोथ नंबर्स। अब फिर से हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे एक के नीचे एक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नंबर 2 है वो एक बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए जो कॉमन फैक्टर्स है उन्हें हम एक ही बार लेंगे, एंड जो अनकॉमन फैक्टर्स है वो जितने बार आ रहे हैं उतने बार हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं LCM के लिए हमने लिया है 2 × 3 × 2 × 5। यहाँ पे पहले वाला 2 दोनों भी साइड में कॉमन आ रहा था, और अनकॉमन नंबर्स कौन से थे, 3, 2 और 5। तो हमें यहाँ पे LCM कैसे मिलेगा, इन चारों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 20 विल बी 60। ये था HCF एंड LCM फाइंड करने का मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या हो रहा है, हम स्टेप 4 में चलेंगे। हमने HCF फाइंड कर लिया एंड LCM फाइंड कर लिया, यही था हमारा सॉल्यूशन। स्टेप 4 एक्चुअली आपको लास्ट लाइन सॉल्यूशन के रूप में लिखना है, ये याद दिलाता है। हम अक्सर प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन तो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इवैल्यूएटर को इजी लगे आपका पेपर चेक करने में एंड आपके आंसर शीट प्रेजेंटेबल लगे, इसीलिए लास्ट में सॉल्यूशन लिखना मत भूलना। तो ये था एक एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल हम विजिट करते हैं जहाँ पे हम फाइंड करेंगे LCM एंड HCF। ये आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस देगा, और पिछले प्रॉब्लम्स में जो भी डाउट आपके अराइज हुए होंगे ये शायद से सॉल्व कर पाएगा। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल 7। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले HCF फाइंड करना है एंड हेंस फाइंड देयर LCM। तो हम LCM को दूसरे मेथड से भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें हिंट दे रही है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का स्टेप 1 तो आपको पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। तो चलो दोनों भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। हमें क्या मिलता है, 96 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 5 × 2 × 3, विच इज 2^5 × 3^1, एंड 404 सिमिलरली इज इक्वल्स टू 2^2 एंड 101^1। इसको भी हमने फैक्टर ट्री मेथड से फाइंड किया था। फैक्टर ट्री मेथड में क्या होता है, हमें प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं ट्री के एंड वाले नोड से। हम
यहाँ पे जैसे कि 96 का एग्जांपल देखी तो 48 को प्राइम फैक्टर नहीं कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उसके लेफ्ट में 2 के बाद कंटिन्यू ट्री नहीं होता है, इसलिए हम 2 को प्राइम फैक्टर कंसीडर करते हैं। और 404 में भी 101 को प्राइम फैक्टर कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसकी और प्राइम फैक्टर नहीं निकल रहे, और 202 को नहीं कंसीडर किया जाता सेम रीजन से। तो ऐसे ही हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब हमने प्राइम फैक्टर्स तो निकाल लिए, अब सबसे पहले हमें HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड करने के लिए दोनों भी नंबर्स को एक के नीचे एक अलॉन्ग विद द प्राइम फैक्टर्स फॉर देयर कंपैरिजन लिख लेंगे। तो हमें क्या मिलता है, जो प्राइम फैक्टर 2 है वो 2 बार कॉमन निकला है, तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2। यहाँ पे आपका एक डाउट सॉल्व हो गया होगा, अगर नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे तो हम उसे कैसे कॉमन फैक्टर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 2 बार कॉमन फैक्टर निकल रहा है नंबर 2, सो देयरफॉर द कॉमन फैक्टर विल बी 2 × 2। देयरफॉर HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल्स टू 4। अब HCF फाइंड कर लिया, क्वेश्चन में थोड़ा हिंट क्या था, हेंस फाइंड देयर LCM। इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए, ये हिंट दिया गया है आपको। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे LCM फाइंड करने के लिए। फॉर्मूला क्या होगा, मॉडिफाई करने के बाद LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू A × B अपॉन HCF। तो क्या होगा, 96 × 404/4 LCM क्या मिल गया, 9696। ये हो गया इनडायरेक्ट वे में LCM फाइंड करना जहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया। देयरफॉर HCF ऑफ 96 and 404 इक्वल्स टू 4 एंड LCM ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 9696। ये था सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, इसलिए अपने पेन और पेपर रेडी कर लीजिए और हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 8 खुद से। आपको रेफर करना है तो आप स्क्रीन से सॉल्यूशन रेफर कर सकते हैं, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो एग्जाम्पल 8 सेज, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 नंबर के HCF एंड LCM फाइंड करने हैं, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा लॉजिक लगाइए, जब हम खुद डिस्कवर करते हैं कि कैसा करना है तो हमें और खुशी होती है, लेकिन हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखा ही रहे हैं। तो सॉल्यूशन में स्टेप 1 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और हर एक सॉल्यूशन में कॉमन है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ईच नंबर के लिए हमें फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2^1 × 3^1 एंड 72 = 2^3^2 एंड 120 = 2³×3×5। ये हमने फैक्टर ट्री मेथड से हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, सॉल्यूशन थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए आप फैक्टर ट्री यूज कर सकते हैं। अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा, फाइंड द HCF। HCF के लिए क्या है, सबसे पहले एक के नीचे तीनों नंबर्स विद द प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 एंड 3 तीनों भी नंबर्स में से कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं। Therefore, what will be the HCF of these three numbers? It will be 2 × 3, which is 6. तो हमें easily HCF मिल गया। ऐसे ही कितने भी numbers के HCF हो, आपको सिर्फ common factors देखना है और जो common factors आ रहे हैं multiply them and you will get the highest common factor. यही तो था HCF में। Similarly, LCM में हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स को एक बार लिखना है और अनकॉमन फैक्टर्स जितने बार रिपीट होते हैं उतने बार लिखना है। व्हाट विल वी गेट, कॉमन फैक्टर्स एज वेल एज अनकॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू 2, तीनों के भी कॉमन फैक्टर्स है 3, तीनों में भी कॉमन निकला है एंड 2 × 3, ये 72 और 120 में कॉमन निकला ना कि 6 में, एंड 2 × 5, ठीक है, 2 × 3 × 2 × 5, ठीक है,
ये है कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। तो हमें एलसीएम क्या मिल गया, 672 एंड 120 का 360। हमने कॉमन फैक्टर्स एज वेल एज अनकॉमन फैक्टर्स निकाल लिए। तो ये था स्टेप 4, हमने HCF एंड LCM लिस्ट कर लिए। ये था हमारा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, जब हमने दो नंबर्स के HCF एंड LCM निकाले तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था, द प्रोडक्ट ऑफ HCM एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। लेकिन जब तीन नंबर्स होते हैं वहाँ पे ये केस नहीं होता है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज नॉट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCM एंड LCM। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ दो नंबर्स के HCF एंड LCM पे लागू होती है। तो ये था इस वीडियो का अंत, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आशा करती हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।